नमस्कार, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फिनोइज पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे शेयर को लेके जिसका बायबैक के प्राइस अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इतना ज्यादा प्रीमियम में जो आपको बायबैक मिल रहा है, जो प्रीमियम प्राइस है। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है स्टॉक को लेकर, कोशिश करेंगे छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को यहाँ पे शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग या फिर आप स्टॉक्स, जो कि दोनों आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म देता है, और आप स्टॉक्स का अगर आप ब्रोकरेज देखेंगे तो बोल सकते एकदम ना के बराबर है। बहुत ही कम ब्रोकरेज में आपको आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने को मिल जाता है। तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देके रखा है। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए, हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बात है। तो दोस्तों, बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि जो भी शेयर जैसे विप्रो वगैरह बहुत सारे कंपनीज के जो है बायबैक आते हैं, तो बायबैक में होता क्या है, जो भी शेयर का प्राइस रहेगा, मान लीजिए 150 का स्टॉक है, 200 का स्टॉक है, तो उसका जो बायबैक है लगभग 220-230 रुपए के आसपास उसको बायबैक देखने को मिल जाता है। तो एक कंपनी जो उसको खरीदता है, तो अभी यहाँ पे ऐसा ही एक शेयर है जिसका प्राइस बहुत ही कम है और बायबैक का प्राइस जो है लगभग बोल सकते हैं कि 50% के आसपास जो आपको प्रीमियम में मिल रहा है। तो आप समझ गए रहेंगे कि कितना ज्यादा बायबैक में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ये शेयर खरीदते हैं या फिर अगर आपके पास ये शेयर है, तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब इन्फॉर्मेशन देखना जो हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आपके साथ। तो यहाँ पे दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है स्टॉक को लेकर रिसर्च किया है, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो बायबैक का अपडेट है उसको लेकर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देखा है, कब से ये बायबैक शुरू होगा, क्या है, कब तक ये बायबैक रहेगा, हर एक चीज जो आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी यहाँ पे ये स्टॉक के जो बायबैक को लेकर अपडेट या स्टॉक को लेकर अपडेट है वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्यादातर जो एनालिस्ट शेयर्स के उन लोगों का क्या मानना है ये स्टॉक को लेकर, तो 67% जो एनालिस्ट शेयर के उन लोगों का मानना है कि ये स्टॉक में बाई करके चलिए, होल्ड करने के लिए 33% कह रहे हैं, सेल करने के लिए 0%, मतलब 0% लोगों का मानना है कि यहाँ पे आप सेल कीजिए। तो आराम से जो ये स्टॉक पे आप बाई करके चल सकते हैं। बाई करके मतलब यहाँ पे अगर किसी के पास शेयर है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर किसी के पास ये शेयर नहीं है तो यहाँ पे आप खरीदेंगे तो भी जो यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो थोड़ा देख लेते हैं उसके बाद, ताकि मतलब आपको ये कंपनी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप कितना है कंपनी का, सिर्फ जो है 2987 करोड़ का है। आरओई 28.19% का है। पी रेशो वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर ये कंपनी का देखेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते कंपनी का जो क्वार्टरली रेवेन्यू आया है अभी तक का देखेंगे, क्वार्टरली जो रेवेन्यू है बहुत ही बढ़िया, जो यहाँ पे क्वार्टरली रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। एक बार तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही शानदार जो क्वार्टरली एक बार रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पे गिरावट, उसके बाद आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते क्वार्टरली जो रेवेन्यू है बहुत ज्यादा जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो की यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक में जो एक तेजी के बीच में देखने को मिला था। स्टॉक का प्राइस लगभग जो है और मतलब लगभग 600 के पास पहुंच गया था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। जब ये बायबैक का अपडेट आया था, फिर जब ये बायबैक का जो इन्फॉर्मेशन आया था उस समय देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस थोड़ा ज्यादा था, और अभी जो और कम प्राइस में आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं आप, प्रोमोटर्स के पास जो है 57.28% का शेयर है, रिटेल एंड अदर्स के पास 24.28% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 13.41% का स्टेक है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 4.90% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ जो है 0.13% का स्टेक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है बोल सकते बहुत ही पुराना एक कंपनी है, और यहाँ पे बहुत बार जो ये कंपनी का जो रिजल्ट वगैरह आया है बहुत ही बढ़िया हम लोग को देखने को मिला है। अगर रेवेन्यू का हम लोग ईयरली भी देखते हैं तो ईयरली रेवेन्यू जो है इसमें भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे ईयरली रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है, उसके पहले हम लोगों ने क्वार्टरली देखा है। प्रॉफिट की अगर देखेंगे तो प्रॉफिट तो देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त, जो यहाँ पे प्रॉफिट में हम लोग को एक जंप करने को देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी जो शानदार देखने को मिला है, अभी जो एक क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें आप देख सकते हैं प्रॉफिट भी शानदार देखने को मिला है। वही अगर देखेंगे ईयरली प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे ईयरली प्रॉफिट भी कंपनी का देखने को मिल रहा है। बहुत ही छोटा कंपनी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कंपनी है, और यहाँ पे जो बायबैक का ऑफर आया है उसको लेके जो है बोल सकते कि बहुत ज्यादा चर्चे में आ गए ये शेयर। शेयर का प्राइस
लगभग जो है 520 के आसपास चल रहा है अभी, 520 या 25 के आसपास जो ये एक शेयर का प्राइस जो है चल रहा है। और बायबैक का जो ऑफर आया है दोस्तों वो है 800 के ऊपर का जो है बायबैक का ऑफर है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं 520-25 का एक शेयर है उसमें बायबैक में 800 के ऊपर का आपको मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया एक बायबैक ऑफर जो कंपनी से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे अभी बायबैक को लेकर क्या अपडेट आया है कब तक वो, तो दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा है कि कंपनी के बारे में देखा, कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखा है, कंपनी का जो है रेवेन्यू वगैरह प्रॉफिट वगैरह देखा है हम लोगों ने क्वार्टरली नियरली। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कौन सा कंपनी है, कबीर सीड बायबैक डिटेल, तो यहाँ पे आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो बायबैक का अपडेट आया है कबीर सीड में। इश्यू पीरियड देख सकते हैं सितंबर 2021 से जो है मार्च 2022 तक रहेगा। सिक्योरिटी नेम कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड। इशू टाइप ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। इशू साइज अमाउंट देख सकते हैं 120 करोड़ का जो इशू साइज है। बायबैक प्राइस 850, मतलब 520 या 25 का शेयर बायबैक प्राइस कितना है 850 का। जब ये बायबैक का जो अपडेट आया था मतलब जब यहाँ पे आया था कि बायबैक करेंगे उसके बाद बोर्ड अप्रूवल वगैरह मिला है, तो उस समय शायद स्टॉक का प्राइस 590 चल रहा था कुछ, तो फेस वैल्यू कितना है 2 रुपीज का है। तो दोस्तों 520-25 के शेयर में बायबैक प्राइस कितना मिल रहा है 850, जो कि बहुत ही बढ़िया एक यहाँ पे अपडेट है ये स्टॉक को लेके। तो यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टैंड अलोन आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी का देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप देख सकते हैं। जो हम लोग आगे शेयर करेंगे टोटल इनकम कंपनी का मार्च 21 को ईयरली है ये आप देख सकते हैं कितना हुआ था 1034.99 करोड़, 31 मार्च 2020 को कितना हुआ था 929.81 करोड़, उसके पहले और भी कम। तो हर साल का अगर देखेंगे तो टोटल इनकम जो है बढ़ रहा है कंपनी का। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जो पेड होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है वो भी देख सकते, उसमें भी जो है हम लोग ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी में, जो कि 251.26 करोड़ था, उसके बाद जो है 305.31 करोड़ हो चुका है। नेट ओथ कंपनी का जो है नेट ओट में भी जो एक हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपनी है कबीर सीड का। और उसके बाद स्टॉक प्राइस का अगर हम लोग 3 महीने से देखेंगे, स्टॉक प्राइस का भी आप देख सकते 3 महीने का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते कि जून 20 में अगर यहाँ पे 3 महीने का हम लोग देख रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जहां पे यहाँ पे मई जून जुलाई का देखेंगे आप लोग कुछ महीने का, अभी यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस जो हाई प्राइस लो प्राइस वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया शेयर है। अभी यहाँ पे बायबैक जो लाया जा रहा है क्यों लाया जा रहा है यहाँ पे आप पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते, तो इसके बाद स्टॉक में जो है और भी कुछ तेजी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बायबैक क्यों ला रहा है, हेल्प द कंपनी रिटर्न सरप्लस कैश टू इट्स शेयर होल्डर होल्डिंग इक्विटी, शेयर होल्डर होल्डिंग इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी बाय रिडक्शन इन द इक्विटी बेस देयर बाय लीडिंग टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन शेयर होल्डर वैल्यू। तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे मैनेजमेंट है कंपनी का, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हम लोग देखा है, कंपनी का प्रॉफिट वगैरह देखा है कुछ महीने से, तो बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है। यहाँ पे देख सकते स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है 518 रुपए का जो है, मतलब 518.60 का जो एक स्टॉक का प्राइस यहाँ पे चल रहा है। तो ट्रेडेड वैल्यू वगैरह यहाँ पे देखिए ट्रेडेड वॉल्यूम माफ कीजिए ट्रेडेड वैल्यू जो है यहाँ पे वॉल्यूम भी यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया शेयर है। और यहाँ पे कबीर सीड के बारे में अगर थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखते तो वो दे देते आपको, तो कबीर सीड जो है 1976 में इसको बनाया गया था, लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक कंपनी है और स्पेशलाइजेशन किसमें है हाइब्रिड सीड्स में है इंडिया का। कंपनी एंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स फॉर द डिफरेंट क्रॉप लाइक कॉर्न सनफ्लावर कॉटन पैडी, मतलब जो भी यहाँ पे आप सीड्स का जो बिजनेस है। कबीर सीड्स हैज मोर देन 1 लाख प्रोडक्शन ग्रोथ ऑन 65,000 acres ऑफ लैंड, कंपनी प्रोडक्ट कैटर एक्रॉस 12 डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और यहाँ पे आपने अगर देखेंगे स्टॉक का प्राइस 500, मतलब हम लोग बोल सकते कि बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे स्टॉक ने रिटर्न भी दिया है कुछ ही महीने के अंदर अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न स्टॉक ने दिया है। जब बायबैक का प्राइस आया था तो अभी लगभग 518 से अभी देख सकते यहाँ पे स्टॉक चल रहा है प्राइस, उससे ज्यादा प्राइस में स्टॉक था, अभी तो इसमें और भी गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। डेप्थ मतलब कंपनी जो है अपना डेप्थ जो है कम किया है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी, प्रोमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 1.76% ओवर लास्ट क्वार्टर। तो मतलब बहुत सारे कंपनी हम लोग देखते हैं जहाँ पे डेप्थ बहुत ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे देख सकते कंपनी का डेप्थ बहुत कम है या फिर डेप्थ फ्री बोल सकते हैं हम लोग।
प्रमोटर अपना हिस्सेदारी शेयर में बढ़ाया है, और उसके बाद अगर देखेंगे तो कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पोर सेल्स, मतलब यहाँ पर अकाउंट देखेंगे तो कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.60% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स, टैक्स रेट सीम्स लो। ठीक है, तो अभी आप अगर देखेंगे जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन देखा है, फिर बायबैक का जो अपडेट आया है, तो लगता है कि आप एक बहुत ही बढ़िया जो है जिसके पास शेयर है उसको अच्छा खासा एक जो है यहाँ पे मुनाफा देखने को मिल सकता है। सिर्फ एक हम लोगों का ओवर व्यू है दोस्तों, हम लोगों ने कोशिश किया है कवरी सीट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, शेयर में क्या चल रहा है, जो बायबैक का अपडेट आया है, प्रमोटर्स का क्या चल रहा है, सब इन्फॉर्मेशन आपको छोटा सा वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।